मैं हूं आपके साथ दीपक बदौरिया और करते हैं खबरों की ओर। बस्तर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में शहर के यहां पर दो जगहों पर चुनावी सभा को संबोधित किया और शहर के माड़िया चौक में चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री ने एनआरसी को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार एनआरसी लागू कर देश में आग लगाना चाहती है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह से बंदर के हाथ में मशाल दे दो तो वह आग लगाएंगे, उस तरह पकड़ा दो तो काटेंगे, उसी प्रकार से जनता ने इनको सत्ता सौंपी है तब से ये जेब काटने का काम कर रहे हैं। आसाम में पूरा आग लगा हुआ है, दिल्ली जल रहा है, उत्तर प्रदेश जल रहा है, तो ये लोग पहले तो आपका जेब काटे थे नोटबंदी में, जीएसटी लागू किए थे, व्यापारी परेशान, कितने व्यापारी दिवालिया हो गए, कितने व्यापारी आत्महत्या कर लिए, अब लागू कर रहे हैं एनआरसी, पूरे देश में लागू होगा करते हैं अमित शाह जी, ये पूरा देश में आग लगाना चाहते हैं। जैसे बंदर के हाथ में मसाल दे दो, बंदर के हाथ में मसाल देंगे क्या करेंगे, वो आग लगाएंगे, उस तरह पकड़ा दो तो काट देंगे, ये उसी प्रकार से इनको सत्ता सौंपते हैं। तब से कभी जेब काटने का काम हो रहा है, कभी आग लगाने का काम हो रहा है, और इसीलिए मैंने कहा कि हमारे आदिवासी अंचल में बहुत सारे लोग हैं जिसके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, और मैंने इसीलिए कहा एनआरसी लागू होगा तो मैं पहला आदमी होगा जो उसे फार्म में हस्ताक्षर नहीं करूंगा। हम भारत के लोग हैं, हमको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, जो बाहर से घुसपैठिया हैं सब पकड़ो और बाहर करो, लेकिन हमको प्रमाणित करने के लिए, हमको लाइन लगाने के लिए कहेंगे।